हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू लेक्सिस एकेडमी अगेन। मैं अब आपको इंडेक्स की डेप्थ्स बताने वाला हूँ। जैसे कि सेटिंग अप अ बिजनेस आपको बताया था 40 मार्क्स का है, तो अब मैं बताता हूँ इसको कि ये जो इसके अंदर जो चैप्टर्स होंगे वो कौन से होंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम कवर करेंगे। लगभग छोटा चैप्टर है ये, 14 पेजेस का चैप्टर रहेगा हमारा। फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड देयर फॉर्मेशन है, जो कि सेकेंड चैप्टर हमारा। देन वी हैव चार्टर डॉक्यूमेंट, जिसमें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कवर करेंगे। फिर लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी है चैप्टर 4, वो पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ LLP है फिफ्थ चैप्टर, वो पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs यानी सेक्शन 8 कंपनी वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। फिर 8th चैप्टर जो हमारा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। देन 9th चैप्टर इज स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। नंबर 10 इज जॉइंट वेंचर कोलाबोरेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लास्ट 11th हमारा सेटिंग अप अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। और 12th चैप्टर जो है प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज है। तो ये 12 चैप्टर हैं हमारा, आराम से इसको कवर करेंगे। तो आज हम जो शुरुआत करते हैं बच्चों, वो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा पहला चैप्टर है, और ये पहला चैप्टर हमारा क्या कहता है इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं एक शेर पहले आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि वही लोग मेरा लेक्चर सुने जो कि इस शेर को फॉलो कर सकते हैं। शेर है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूँ खूने जिगर होने तक। गालिब का शेर है। गालिब कहते हैं कि आशिकी सब्र तलब है, यानी कि लव करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और तमन्ना का मतलब होता है डिज़ायर। डिज़ायर जो होती है वो रेस्टलेस होती है। गालिब जी कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्यार करना है तो आपको पेशेंस चाहिए, राइट? प्यार करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और डिज़ायर जो होती है वो रेस्टलेस होती है, वो एकदम से आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, जब तक आप मेरा दिल तोड़ नहीं देते तब तक मैं अपने दिल का क्या रंग करूं। अब गालिब का ये शेर को अगर हम इंटरप्रेट करें अपने लिए, तो हम एकदम से सीएस बनना चाहते हैं, राइट? हमारी जो डिज़ायर है, हमारी तमन्ना ये है कि हम फटाफट सीएस बन जाएं, लेकिन ये हमारी जो हमारा ये स्टडी है ये आशिकी है, ये सब्र तलब है। सब्र तलब कहने का मतलब है कि इसमें पेशेंस लगती है, ये पेशेंस की गेम है। आप लोग अगर फाउंडेशन से शुरू करते हैं तो 4.5-5 साल आपको लगेंगे सीएस बनने में। हो सकता है आप लोग एक दो बार पास हों, फेल भी हों। तो अगर जिस इंसान में सब्र है वही मेरा ये लेक्चर सुने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत आराम आराम से एक एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। हम जल्दी से कुछ कवर करने वाले हैं नहीं बेटा। आपको एक बात बता दूँ, ये बीकॉम नहीं है जिसमें ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी डीप आएंगे, इसलिए हमें इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। तो अगर आप में सब्र है, अगर आप आशिकी करना चाहते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो आप मेरा लेक्चर सुनिए और आराम आराम से मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये हम लोग सेटिंग अप अ बिजनेस में चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है हमारा। तो चैप्टर नंबर 1 है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों आप लोग इसमें देखो, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज अगर हम देखते हैं कि कितनी तरह की बिजनेस एंटिटीज हो सकती हैं, तो एक सबसे कॉमन बिजनेस एंटिटी है वो बच्चों हमारी, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ रखा है। 11th-12th में जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ रखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक वो बिजनेस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक अकेला इंसान ही बिजनेस को चलाता है। सेकेंड हमारी है पार्टनरशिप। जब बिजनेस थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हमें काम करने वाले हाथों की भी ज़रूरत पड़ती है और एक्स्ट्रा मनी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस खोलते हैं, और पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है यूजुअली 2 और मोर, मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए उसके अंदर, या 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। देन वी हैव एक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि अभी कम होता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं HUF, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि सिर्फ फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ही इसमें को पार्सनर बन सकते हैं। को पार्सनर कहने का मतलब है कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो ही लोग सारे के सारे इसके अंदर मेंबरशिप पा सकते हैं। अब लड़कियों को भी अलाउ कर दिया गया है कि लड़कियाँ भी इसकी मेंबर बन जाएँ। इस पूरी HUF बिजनेस को, फैमिली रन बिजनेस को जो चलाता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ता।
तो कर्ता इस बिजनेस को रन करता है और एक एक बिजनेस फॉर्म है। इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो भी इसको एक अलग फॉर्म मानता है और इसकी टैक्सेशन भी होती है, इसकी फाइल भी क्रिएट की जाती है इनकम टैक्स में। देन वी हैव न्यू कॉन्सेप्ट कॉल LLP। LLP एक तरह का कॉम्बिनेशन है कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। तो जब कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन कर कर कोई चीज़ बनाई जाती है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कंपनी की होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो ली होती हैं उसके अंदर वो पार्टनरशिप की ली होती हैं। तो ये हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। आगे आते हैं बच्चे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ अपने मेंबर्स का भला करने के लिए जो सोसाइटीज़ फॉर्म होती हैं उनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में अमूल एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर क्या है कि अपने मेंबर्स ने वो सोसाइटीज़ बनाई हैं और वो अपने फ्लैट खुद बनाते हैं, उनको वो सस्ते रेट में फ्लैट पर पढ़ते हैं और फिर उन फ्लैट्स को वो एक एक हिस्सा हर इंसान को फ्लैट मिल जाता है। ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव कंपनी। हाँ, कंपनी हमारा, कंपनी लॉ हमारा मेन सब्जेक्ट है। कंपनी हमें डिटेल में पढ़ना है, कंपनी क्या होती है और कंपनी कैसे काम करती है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज। हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट ए कंपनी इज, व्हाट ए कंपनी इज। तो कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ बिजनेस है कंपनी। और कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे काम करती है ये हम लोग डिटेल के अंदर बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी खासियत जो कंपनी की होती है कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और कंपनी जो है वो एक बिजनेस फॉर्म है जो कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्म है। लार्ज स्केल का अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो कंपनी के रूप में आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको हम लोग अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने का शुरू करते हैं तो देखो आप लोग बच्चों यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि बिजनेस का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारा का सारा एक नेसेसरी अरेंजमेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक तरह का अरेंजमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सारा बिजनेस को चलाने का तरीका चलता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेसेसरी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड बोलता है ये, टू कंडक्ट अ बिजनेस इन एन ऑप्टिमाइज मैनर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक नेसेसरी अरेंजमेंट जो कि बनाया गया है क्या करने के लिए, बिजनेस को ऑप्टिमाइज मैनर में चलाने के लिए। ये हम लोगों ने फर्स्ट वाला पोर्शन पढ़ा, मैंने मार्क कर दिया है येलो कलर से, आप लोग देख सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ बिजनेस इन एन ऑप्टिमाइज मैनर। अब आगे चलते हैं। इट रेफर्स टू ऑल दो स्टेप्स, इट रेफर्स टू ऑल दो स्टेप दैट नीड टू बी अंडरटेकन फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये बोलता है कि सारे स्टेप्स जो लिए जाते हैं इसलिए लिए जाते हैं, स्टेप्स जो स्टेप्स लिए जाते हैं टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन हुम, रिलेशनशिप बिटवीन मैन मटेरियल एंड मशीनरी। तो मशीनरी मैन और मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन है इनको, इसको इस्टेब्लिश करके मेंटेन करने के लिए जो रिलेशनशिप किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टू कैरी ऑन द बिजनेस एफिशिएंटली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और ये जो बिजनेस किया गया है, ये बिजनेस किया गया है एफिशिएंटली टू रन द बिजनेस ऑन प्रॉफिट। दिस मे बी कॉल, थर्ड पॉइंट पे देखो आप लोग बच्चों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट कहता है दिस मे बी कॉल्ड दिस मे बी कॉल द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग विच आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है ये। द अरेंजमेंट विच फॉलोज दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस अंडरटेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं जो अरेंजमेंट आप चलाते हो, अरेंजमेंट जो आप फॉलो करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब बोलता है ये कि चूजिंग ए फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी इज क्रूशियल फॉर टू ए सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आपको बिजनेस कामयाब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द चॉइस ऑफ बिजनेस एंटिटी विल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स। अब आप बिजनेस जो चुनोगे, तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों ये, तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम लोग स्पेशलिस्ट होने वाले हैं इस चीज़ के। एक आदमी, एक बिजनेसमैन हमारे पास आता है और हमें आके बोलता है कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ, आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे किस तरह का बिजनेस खोलना चाहिए। शुड आई ओपन अप सोल प्रोप्राइटरशिप, शुड आई ओपन अप पार्टनरशिप,
और शुड आई मेक अ कंपनी। तो ये आप उसके सारे क्रेडेंशियल्स पहले पता करोगे, उन क्रेडेंशियल्स को नोट करोगे, उसके बाद व्हाट यू विल डू इज आप लोग उसको बताओगे कि आपको किस तरह का बिजनेस खोलना है। तो अब किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, देखो ये पहले पॉइंट पे कहता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो साइज है वो क्या है, ऑफ सच एंटिटी विच शुड बी वेरीड फ्रॉम केस टू केस बेसिस, और जो आपका साइज क्या है और आप काम कौन सा कर रहे हो, और ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द विल ऑफ ओनर्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी विच दे वॉन्ट टू अकम्पनिश। फिर बिजनेस ओनर्स की विल भी डिपेंड करती है कि भाई बिजनेस ओनर क्या करना चाहते हैं, ठीक है। द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया आर, ये हम लोग डिटेल में ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच मे बी काइंड ऑफ कंपनीज, अब कंपनी टाइप ऑफ कंपनीज पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो बच्चों, ये अगर हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनीज पे आते हैं तो टाइप ऑफ कंपनी पे व्हेन वी कम टू टाइप ऑफ विच मे बी द काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी अगर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं उसके अंदर वी हैव वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो वो कौन सी हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये देखिए वी हैव एन ओपीसी। सबसे पहले मैंने नाम ले लिया, ये एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है, पहले नहीं होता था, अभी होना शुरू हुआ, विच इज़ ए ओपीसी। ओपीसी की फुल फॉर्म है वन पर्सन कंपनी। ये देखिए वन पर्सन कंपनी एक बिजनेस फॉर्म है जो कि एकदम नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये एक ऐसी बिजनेस फॉर्म है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर एक ही होता है। तो अगर किसी में मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर एक ही है, यानी कि मैक्सिमम भी एक है और मिनिमम भी एक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डेट इज़ एन ओपीसी वन पर्सन कंपनी। तो इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो हमें पूरे करने होंगे। देन वी हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर अपने ग्रुप के बाहर नहीं देती है। देन वी हैव अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। गारंटी कंपनी फिर हम पढ़ेंगे, गारंटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स जो होंगे गारंटी कंपनी के, वो गारंटी कंपनी के शेयर्स नहीं होते इस कंपनी के अंदर, सिर्फ कुछ लोग गारंटी देते हैं कि हम आपका अगर कंपनी को इतना नुकसान हुआ तो इसका पैसा हम लोग देंगे। देन वी हैव सब्सिडरी कंपनी। ये बोलता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी के अंदर 51% शेयर होल्ड करती है तो ऐसी छोटी कंपनी को हम लोग सब्सिडरी कंपनी मानेंगे। स्टैटूटरी कंपनी। स्टैटूटरी कंपनी ऐसी है जो कंपनी लॉ के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, डायरेक्टली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करके उसको पास किया है, उसको हम स्टैटूटरी कंपनी बोलेंगे। देन इंश्योरेंस कंपनी है हमारी जो इंश्योरेंस का काम करती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है जिसमें देने की लायबिलिटी जो है वो की जो कि अनलिमिटेड है। तो हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी का एक स्नैपशॉट आपको अभी मैंने इस लेक्चर में दिया है, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, इसको अभी हम आगे